पांडे साहब चलो हमारी बात तो सुनिए पांडे पांडे साहब पांडे पांडे किधर है साहब ये लोग तो कंप्लेन करने आए थे इन्हें ही अंदर डालना है हाँ हाँ इन्हें ही अंदर डालना है गुनहगार होकर दूसरों की कंप्लेन लिखवाने आए डालो ये अंदर एक मिनट हमारी बात सुने देखिए चालू जी पांडे जी देखिए हमारा यकीन कीजिए हमने कुछ नहीं किया हम निर्दोष हैं सर अगर हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ कंप्लेन लिखवाने थोड़ी आते थोड़ा दिमाग तो लगाइए सर क्या मतलब है तुम्हारा मेरे पास दिमाग नहीं है इतना बड़ा पुलिस स्टेशन अकेले संभाल रहा हूँ बिना दिमाग के सॉरी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर क्या मतलब है तुम्हारा मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो आदमी गलती करेगा जो गुनहगार होगा वो खुद तो आके कंप्लेन नहीं लिखवाएगा ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तुम लोग गुनहगार नहीं हो देखा ये हाँ बोल रहा है नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि हाँ हम गुनहगार नहीं है तो ना बोलो ना हाँ क्यों बोल रहे हो अरे आए हम गुनहगार नहीं है रिश्वत देकर बच्चों के एडमिशन करवाने वाला मासूम नहीं हो सकता तुम जैसे लोगों की वजह से योग्य स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है अरे मामा के बेटे का एडमिशन इसी वजह से नहीं हुआ होगा किसी रईस बाप ने अपने औलाद का एडमिशन पैसे देकर करवा लिया होगा लाना था तुम जैसे लोगों पर सर आपने जो देखा वो सब कुछ गलत है वो झूठ है सर वो वीडियो अधूरा है आपको पूरी बात पता ही नहीं है सर अच्छा तो पूरा वीडियो लेकर आओ मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा चालू जी पांडे जी आपको हमने बताया ना पहले कि हम पूरा वीडियो नहीं ला सकते क्योंकि हमने जो वीडियो शूटिंग किया वो तो वो पेन से किया और वो पेन उन्होंने तोड़ दिए तो अभी सबूत कहाँ से लाए नामुमकिन है सर यहाँ से छूटना भी तुम्हारा नामुमकिन है अरे कानून सिर्फ सबूत देखता है और सबूत तुम दोनों के खिलाफ है दरअसल तुम दोनों के खिलाफ मुझे भी कंप्लेंट करना चाहिए था तुम लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था तुम लोगों के कहने पर मैं उस ईमानदार हीस खरे को गिरफ्तार कर लेता सर हीस खरे नहीं आयम खरे अरे यार आयम खरे कैसे हो सकता है आयम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे ना सर उसका नाम आयम खरे है अरे वो खुद के लिए आयम खरे है मेरे लिए तो हीस खरे ही होगा ना कहाँ पढ़ाई की है तुमने तो तुम्हारा भी एडमिशन रिश्वत देकर ही हुआ होगा कैसी बातें कर रहे सर आने लड़े डाल ले लो अंदर क्या देखता है कि तेरे को भी डालूं अंदर नहीं सब अरे सर मैं एक लेखक हूँ सर आप क्या क्या अभी अंदर जाके आत्मकथा लिखना चलो सर डालो इज्जतदार लेखक हूँ सर क्या कर रहे हैं सर आप चल अंदर जाके लिख जा अंदर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सर अब अंदर बैठकर आत्मकथा लिखना अरे सुनिए पांडे जी प्लीज ऐसा मत कीजिए हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं सर ये हाल हो रहा है एक लेखक का जेठालाल बेचारे अंजलि को तो ये भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर ये पता चल गया कि तुम्हारे साथ हवालात में इस हाल में हूँ तो क्या बीतेगी उस पे और अगर मेरे बॉस को पता चल गया ऑफिस में तो मेरी नौकरी चली जाएगी जेठालाल अरे आपकी तो नौकरी है मेरा तो धंधा है अगर अखबार में छप गया तो पूरी मार्केट में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा भगवान ये क्या हो गया घर पे दया और बप्पू जी सोच रहे होंगे कि हमने सबूत इकट्ठा कर लिया होगा और आयम खरे अभी हवालात की हवा खा रहा होगा उनको क्या पता कि आयम खरे नहीं हम खुद हवालात की हवा खा रहे हैं कलयुगा दादाजी अब तक तो जिन लोगों ने पैसे खाए होंगे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया होगा अरे बच्चों अंत में सत्य का ही विजय होता है लेकिन बापू जी टप्पू के पापा अभी तक आए क्यों नहीं और उनका फोन भी नहीं आया मम्मी हो सकता है पापा हमें सरप्राइज देने का सोच रहे हो हाँ अरे टप्पू बेटा उसमें सरप्राइज क्या बहू एक काम कर जेठा को फोन कर और उससे पूछ कब आ रहा है हाँ बापू लाल क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं ये घटना है ना दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी एक फायर ब्रिगेड जो आग बुझाता है उसमें खुद में आग लग गई आग बुझाने चला था और खुद जल रहा हूं यार
हेलो टप्पू के पापा, आपकी आवाज का क्या हो गया? इतनी भारी क्यों हो गई? भारी नहीं, कड़क आवाज है। टप्पू के पापा खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने सब गुनेगारों को पुलिस में पकड़वा दिया? हेलो दया बहन, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे लगा टप्पू के पापा बोल रहे हैं। मतलब टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ, एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन देता हूँ। दीजिए। लो। थैंक यू। हेलो दया, टप्पू के पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पुलिस स्टेशन पहुंच भी गए। वाह वाह, हमें पता था हमारे बहादुर सिंह ये मुश्किल काम आसानी से कर दिखाएंगे। दया, टप्पू के पापा मैं क्या कह रही हूँ, अब सब गुनेगारों को सबक मिलना है, ऐसी सजा करवाना। अरे दया, अभी सजा छोड़, अभी तो हमें वकील करना पड़ेगा। अरे बात को समझ दया, वकील हमें हमारे लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं और मेहता साहब हवालात में है। हाँ, गुनेगार वो एम के गांधी कॉलेज का ट्रस्टी आई एम खरे है, लेकिन पुलिस ने मुझे और मेहता साहब को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ बाबू? बाबूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं गुनेगार तो कोई और है, और पुलिस ने टप्पू के पापा और मेहता साहब को पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है बाबू? एक काम कर, फोन का स्पीकर चालू कर। टप्पू के पापा, बाबूजी, मैं टप्पू से ना, हम सब लोग आपके बात सुन रहे हैं, अभी आप जरा विस्तार से बताइए कि ये सब कैसे हुआ। हाँ पापा। और आप लोग हवालात में कैसे पहुँच गए? जेठा, ये सब क्या गड़बड़े? हाँ बापूजी, दया, टप्पू, मैं सब बताता हूँ। अरे हम लोग गए थे वो खरे को फंसाने, लेकिन वो चालाक निकला, उसने चालाकी से मुझे और मेहता सब को ही फंसा दिया। कैसे? कैसे? वो दरअसल हुआ ही हूँ। से पुलिस ने जेठा और मैथ्यूज को पकड़ लिया। हाँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। हेलो जेठा, अब क्या, अभी हम पे केस चलेगा, और अगर हम गुनहगार साबित हुए तो लंबी जेल भी हो सकती है। जेठा, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी वहां आ रहे हैं, बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन तुझे और मैं तुझको कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग वहाँ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा। दादाजी, ये तो गलत है, जो सच्चा है उसी को जेल में जाना पड़ रहा है। चिंता मत कर टपरा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चाचा जी, दया भाभी, तारक और जेठा भाई जेल में, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? अरे अंजलि बेटा, तुम चिंता मत करो, जेठे और मेहता सच्चाई की लड़ाई लड़ने गए। अरे पर दया भाभी, सच्चाई की लड़ाई लड़ने में ऐसे ही होते हैं। चाचा जी, अच्छा लगे चाचा जी, दया भाभी, क्या हुआ, हुआ क्या, भाग क्या आते हो, जेल में कैसे पहुंच गए, जेल में कैसे चले गए? अरे बेटा, वो हुआ यूं कि शीशी कितनी दुष्ट पड़ा है। तो चाचा जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ नहीं बताया, उस जरा सा तो इशारा किया होता, उस ट्रस्टी की और सेटिंग भाई की सेटिंग घुमा देता मैं। हाँ चाचा जी, सोसाइटी में हम लोग छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई,
अंधेरे में रखा हमें। सही बात है चाचा जी, हमें तो बताना चाहिए था ना। अरे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था, मैं किसी और पत्रकार को क्लाइंट बनाकर वहां भेजता। वो इतनी चालाकी से काम करता कि उनकी दुनिया हिल जाती। अरे मैं भी मेरे फ्रेंड से ऐसा सीक्रेट कैमरा बनवाता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए अब सबका नाराज होना व्याज भी है, पर क्या है ये काम ही ऐसा था कि चुपके से शांति से करना था, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या करे, सोचा था उससे सब उल्टा ही हो गया। ओए ये सब सुन के तो मेरा खून खोल रहा है। अभी के अभी उस ट्रस्टी खरे के पास जाता हूँ और उसकी एक एक हड्डी में 10-10 फ्रैक्चर कर देता हूँ। अरे अरे रोशन ठोक ठोक, तुम गाना गिला ना कर, और ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। हाँ सोड़ी भाई। हाँ सोड़ी, जरा शांति से, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। वो जो खरे है ना वो बहुत ही शातिर इंसान है, हमें अभी शांति से सोचना चाहिए कि करना क्या है। हमें सबसे पहले जेठा भाई और तारक को जेल से कैसे छुड़ाएं वो सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्लीज। हाँ, हाँ जी चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन। जेठा प्रा और मेहता साहब को वहाँ पे एक पल भी नहीं रहने देंगे। हाँ चलो 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 आइए आइए आप लोग यही रहो, हम लोग टप्पू के पापा और मेहता साहब को छुड़ा कर लाते हैं। नहीं मम्मी मैं भी आऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं टप्पू जी का अरे जाओ चल चल। मेहता साहब और जेठा भाई जेल में, मुझे तो जेल और कानून के नाम से ही डर लगता है। सही बात है भाई, एक बार कानून के चक्कर में जो फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान करे जेठा भाई और मेहता सब जल्दी से जेल से छूट जाए, फिर सोच सकते हैं ना कि क्या करना है आगे। मेहता साहब को क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? अरे जेठालाल दिमाग शांत हो तब तो कुछ आदमी सोचे समझे कि क्या करना चाहिए। अरे कोई टेंशन खत्म ही नहीं हो रहे हैं भाई, एक के बाद एक। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, उसके बाद उसके एडमिशन का टेंशन, फिर ये स्टिंग ऑपरेशन का टेंशन, अब जेल से बाहर कैसे निकले ये टेंशन। मैं तो सर चकरा रहा है भाई, सर चकरा रहा है। मुझे लगता है अब मेरी कुंडली मुझे किसी ज्योतिष को नहीं साइंटिस्ट को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वही पता लगा सकता है कि भाई आखिर मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि बार बार बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। अरे तुम्हारे किस्मत में विस्फोट हो रहे हैं तो वहाँ तो कुछ ना कुछ बारूद बिछा हुआ है, लेकिन मुझे बिना कारण के प्रॉब्लम्स क्यों मिल रही है? मैं तो बिना बात के ही फंस गया हूँ ना जेठालाल। भाई साहब अगर कोई जन्म कुंडली देखने वाला मिले ना मुझे भी बताना, मैं भी बिना कुछ किए यहाँ फंस गया हूँ। आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप यहाँ? मैं तो अपनी बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था, पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। भाई ऐसी क्या इच्छा पूरी कर रहे थे आपकी बीवी की, मतलब क्या इच्छा थी भाभी जी की? देखिए मेरी बीवी को शौक है सोना पहनने का, बस मैं सोना लेकर आ रहा था इन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या बात हुई भाई, आदमी इस देश में अपनी बीवी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? भाई सोना खाना कोई अपराध थोड़ी है, बिल्कुल गलत बात है, अंधेरगर्दी चल रही है क्या? मैं बात करता हूँ अभी। अरे छोड़ो ने भाई, आपको क्या जरूरत है, छोड़ो छोड़ो भाई। नहीं ये इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता है कि हमको क्या जरूरत है। अरे भाई हम लोग समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। अरे जिम्मेदार नागरिक खुद अभी जेल में है और अपना टेंशन कम है क्या, और टेंशन आप ले रहे? जेठालाल जेल में है तो क्या आदमी अपना मूल स्वभाव छोड़ दे? बात तो करनी पड़ेगी ना, अंधेरगर्दी और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये क्या बात हुई यार, बेचारा बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था और पकड़ लिया उसे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई कुछ तो होगा ना झोल, आपको भी धंधा नहीं है कुछ? अरे पांडे साहब, सर ये क्या अन्याय है सर? अन्याय कैसा अन्याय? सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ हैं। नहीं सर मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मासूम और बेगुनाह की बात कर रहा हूँ। कौन है अंदर मासूम? ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये बेचारे अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे पर आप लोगों ने पकड़ लिया। मुझे बताइए सर कानून की किस किताब में लिखा है कि बीवी की इच्छा पूरी करना गुनाह है? आए इनको इतना। नहीं नहीं बीवी की इच्छा पूरी करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को बीवी की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। फिर लेकिन चालू जी पांडे जी, किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? पहले वो शादी कर ले फिर बीवी की इच्छा पूरी करे। मान लो किसी की शादी हो ही नहीं रही है, जैसे हमारे पोपट लाल हाँ, हाँ। उसकी शादी हो ही नहीं रही है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी करे उसका? हाँ
बात हम दोनों कर रहे हैं ना, और तुम वहां बैठे थे ना, जाओ वहां बैठो, चलो चलो। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि ये भाई साहब बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे, आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्यों आखिर क्यों सर क्यों? अपने को क्या है? मुझे एक बात बताइए, इंडिया की कोई भी बीवी एक साथ अपने बदन पर कितना सोना पहन सकती है? चार आठ दस तोला और क्या। इन भाई साहब ने अपने बीवी पर 7 किलो सोना लाद कर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लाए थे, वो भी विदाउट ड्यूटी सोना इंडिया में लाना, उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे? अब भी आपको ये भाई साहब मासूम लग रहे हैं? अरे भाई साहब कमाल करते हो यार आप। सॉरी 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 यार। पड़ गई कलेजे में ठंडक, वो सामने जो कैदी बैठा है वो भी बेचारा मासूम लग रहा है, उसको भी पूछा कुछ अन्याय हो रहा है क्या उसके साथ? ये तो भूल देना सॉरी भाई, मैंने तो मुझे कब सॉरी बोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। अपना टेंशन इधर का है अब यार, छोड़ो। टप्पू के पापा, दया, टप्पू के पापा, दया। सुनो सुनो, जो गुनेगार के करीबी है वही करीब रहेंगे। बापूजी, हाँ, बाकी सब मेरे करीब। क्या बताया, जो जाल हमने फेंकी थी उसी जाल में हम लोग फंस गए। ओ जेठालाल, तुझे चिंता ना करो, हम सब आ गए हैं यहाँ पे। हाँ जेठालाल, ना दादा डोंट वरी, अब हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू अय्यर भाई, छोटी पोपटलाल भिड़े, थैंक यू, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। शांति मिली, शांति। जेठालाल एक मिनट, पंडित जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरा सेक्रेटरी। अरे भाई ये भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी थोड़ी है, तू मुद्दे की बात कर ले। हाँ, मुद्दे की बात ये है पंडित जी के जेठालाल और मेहता साहब दोनों निर्दोष है, आप उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। आप इस देश के राष्ट्रपति है? नहीं मैं सिर्फ पति हूँ। हाँ तो पति बन के रहिए, कानून के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, समझे? ये सरासर अन्याय है। पोपटलाल तुम भी पति बनोगे भाई आगे जाके, अभी क्या अन्याय अन्याय। अरे भाई मैं जेठालाल और मेहता साहब के लिए बोल रहा हूँ, देखिए ये अंधेर राज है, गुनेगार समाज में खुलेआम घूम रहा है और बेगुनाह जेल में बंद है। मैं पत्रकार पोपटलाल ये सहन नहीं करूंगा, मैं तूफान एक्सप्रेस के जरिए तूफान लेकर आऊंगा, दुनिया हिला दूंगा। शांत हो जाइए पत्रकार पोपटलाल जी, तुम जिस दुनिया को हिलाने की बात कर रहे हो ना, तुम भी उसी दुनिया में रहते हो, अगर दुनिया हिलेगी तो तुम भी हिलोगे। तुम्हारे पड़ोसी है ना, ये भी हिलेंगे, क्यों ऐसा करते हैं? ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। हाँ पांडे जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर क्या तारक और जेठा भाई बिल्कुल नहीं छूट पाएंगे? देखिए आप लोग वकील अपॉइंट करके इनको जमानत पर छुड़वा सकते हैं, लेकिन एक बार केस चल गया और ये लोग गुनहगार साबित हो गए तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है इनको। अरे ये क्या सुन लिया हम लोगों ने, और आपने भी बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन ये सुन के हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है, आसमान गिर पड़ा है, 3 साल की सजा की तलवार हम पर लटक रही है। सचमुच कानून अंधा होता है, करोड़ों रुपए के स्कैम करके भी लोग आयम खरे की तरह बाहर आजादी से घूमते हैं, और हमारे जैसे आवाज उठाने वाले लोग जेल में सड़ते हैं, सजा पाते हैं। अब क्या होगा, हम जेल से किस तरह से बाहर आ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे कि भी नहीं, ये सब हंसते हंसते देखेंगे आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.